Good day students, my name is Abhishek Mishra and today I am going to teach you Social Study Chapter 1. The name of this chapter is India Our Country, means Bharat Hamara Desh. In this chapter we are going to talk about our neighboring countries, physical division of India, states and union territories of India. मतलब हमारे आसपास के जो देश हैं उनके बारे में, भारत देश की क्या, किस तरह से भारत देश को विभाजित किया गया है, भारत देश के राज्य और यूनियन टेरिटरीज जो हैं इनके बारे में हम बात करेंगे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इंडिया इज़ द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन द टर्म्स ऑफ एरिया. जो अपना भारत देश है वो विश्व में सातवें नंबर पे है एरिया के अकॉर्डिंग. मतलब हमारे पास जो ज़मीन है उसका जो एरिया है अगर उसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इंडिया सातवें नंबर पे सबसे बड़ा देश है विश्व में. द सिक्स लार्जर कंट्रीज इन ऑर्डर टू देयर साइज. बाकी की जो छः देश हैं जो सबसे बड़ा है उस हिसाब से, पहला है रशिया, दूसरा है कनाडा, तीसरा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चौथा है चाइना, पांचवा है ब्राज़ील एंड छठवा है ऑस्ट्रेलिया. ओके, मतलब पहला आता है रशिया, दूसरा आता है कनाडा, तीसरा आता है अमेरिका, चौथा आता है चाइना, पांचवा ब्राज़ील, छठवा ऑस्ट्रेलिया, तब भारत देश का नंबर आता है सातवें नंबर पर. इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. जनसंख्या के हिसाब से भारत देश का दूसरा नंबर है विश्व में, ओनली नेक्स्ट टू चाइना. चाइना पहले नंबर पे है, भारत देश दूसरे नंबर पे है. ओके, यहाँ हम आते हैं नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया. मतलब भारत देश के पड़ोसी देश. इंडिया इज सिचुएटेड इन सदर्न पार्ट ऑफ द कंटिनेंट ऑफ एशिया. इंडिया जो अपना भारत देश है वो एशिया कंटिनेंट के साउथ, मतलब आप यहाँ मैप में देखेंगे ये जो एरिया देख रहे हैं यहाँ पे इंडिया सिचुएटेड है. ठीक है, द नेबर्स ऑफ इंडिया इंक्लूड्स, जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनके नाम हैं अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट. ठीक है, उत्तरी पश्चिम एरिया में अफगानिस्तान और पाकिस्तान बसते हैं. ये आप मैप देख रहे हैं तो यहाँ पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान आपको दिख रहा होगा, जहाँ पे मेरा पॉइंटर चल रहा है आप देखेंगे ज़रा गौर से. तो ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो है ये अपने उत्तर पश्चिम में है. ओके, चाइना, भूटान एंड नेपाल इन द नॉर्थ. आप यहाँ पे देखेंगे तो भूटान दिख रहा है, इधर आपको पूरा चाइना दिख रहा है, ये नेपाल दिख रहा है आपको. तो चाइना, भूटान और नेपाल जो है वो अपने उत्तर एरिया में अपने पड़ोसी देश हैं. म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट. ठीक है, आप ये चेक करें यहाँ पे पूर्व की तरफ में, ईस्ट मतलब पूर्व, बांग्लादेश और म्यांमार आपको दिख रहे हैं, ये पड़ोसी देश हैं अपने. ठीक है, श्रीलंका एंड मालदीव्स इन द साउथ. आप यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको श्रीलंका दिख रहा होगा और मालदीव्स हैं यहाँ पे. तो अपने साउथ साइड में श्रीलंका और मालदीव हैं. ठीक है, इससे हमको ये पता चला कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो हैं वो उत्तर पश्चिम दिशा में है, चाइना, भूटान और नेपाल उत्तर की दिशा में है, म्यांमार और बांग्लादेश पूर्व की दिशा में है, और श्रीलंका और मालदीव साउथ की दिशा में है. ठीक है, आप ये मैप को एक बार फिर से ध्यान से देखेंगे तो ये आपको यहाँ पे सब कुछ समझ में आ जाएगा. आगे बढ़ते हैं, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया. ठीक है, मतलब राज्य और यूनियन टेरिटरी भारत देश की. इन 2019 द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, 2019 में बहुत ही चेंज हुए थे, जम्मू और कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था. ठीक है, रिसीव द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. 2019 में जम्मू और कश्मीर को भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति मिली इस एक्ट को. और ये एक्ट क्या बोलता है अब हम आपको बताएंगे. द एक्ट कंटेन्स द परमिशन ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशिंग द स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनटू टू यूनियन टेरिटरीज, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख. ठीक है, पहले जम्मू और कश्मीर एक राज्य हुआ करता था, बट जब 2019 में भारत के राष्ट्रपति ने इसको स्वीकृति दी तो ये जम्मू और कश्मीर को तोड़ करके दो यूनियन टेरिटरीज बनाई गई, एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख. दिस एक्ट केम इन टू इफेक्ट ऑन 31 अक्टूबर 2019. ये जो एक्ट था ये 31 अक्टूबर 2019 को लागू हो गया था.
इंडिया इज प्रेजेंटली डिवाइडेड इंटू 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। भारत अब आज के दिन में 28 राज्य और 9 यूनियन टेरिटरीज में विभाजित है। आप नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे द स्टेट्स एंड देयर कैपिटल लिस्टेड इन द टेबल। जो भी जितने भी स्टेट्स हैं अपने इंडिया के और जो उनकी राजधानी है वो टेबल पे लिखी हैं। मैं आप इसको पढ़ूंगा, आप वीडियो पॉज करके साथ में अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, ये प्रपोज कैपिटल है एंड राइट नाउ हैदराबाद। ओके, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर। ओके, असम की राजधानी दिसपुर है। बिहार की राजधानी पटना। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। गोवा की राजधानी पणजी। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। झारखंड की राजधानी रांची। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर। केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। मणिपुर की राजधानी इम्फॉल। मेघालय की राजधानी शिलांग। ऊपर आएंगे थोड़ा, मिजोरम की राजधानी आइजवाल। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। राजस्थान की राजधानी जयपुर। सिक्किम की राजधानी गैंगटोक। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। तेलंगाना जो कि अपना सबसे लेटेस्ट बना हुआ राज्य है उसकी भी राजधानी हैदराबाद। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। उत्तर प्रदेश जहाँ पे हम रहते हैं उसकी राजधानी लखनऊ। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता। आप इन सभी स्टेट्स को और उनकी राजधानियों को, राज्यों को और उनकी राजधानी को अपनी कॉपी में एज अ होमवर्क नोट करेंगे और इसे याद करेंगे। अब आगे आते हैं तो हम आपको यूनियन टेरिटरीज और उनकी राजधानी के बारे में बताते हैं। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि इंडिया में 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, अब उनकी राजधानी के बारे में आपको बताएंगे। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है उसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती। पौंडीचेरी की राजधानी पौंडीचेरी हुई है। दमन एंड दीव की राजधानी दमन है। दादर एंड नगर हवेली की राजधानी सिलवासा है। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है। दिल्ली की राजधानी न्यू दिल्ली है। जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर समर में और जम्मू विंटर में। लद्दाख की राजधानी लेह। ठीक है, आप ये सारे यूनियन टेरिटरीज को भी अपनी कॉपी में नोट करेंगे और अच्छे से याद करेंगे एज अ होमवर्क। नीचे आएंगे तो अब आएंगे आपको यहाँ पे लिखा मिलेगा फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। इसका मतलब है शारीरिक विभाजन ऑफ इंडिया, मतलब भारत को किस तरह से विभाजित किया गया है अलग अलग हिस्सों में उसके बारे में आपको यहाँ पे पता चलेगा। इंडिया इज द लैंड ऑफ माउंटेन्स। इन भारत जो है पहाड़ों का, प्लेटेस पठारों का, प्लेन्स मैदानों का, डिजर्ट्स कोस्टल प्लेन्स तटवर्ती मैदानों का एंड आइलैंड और द्वीपों का राज्य है। मतलब भारत को जो विभाजित किया गया है वो माउंटेन्स में, मतलब पहाड़ों में, रेगिस्तानों में, द्वीपों में, मैदानों में, तटवर्ती मैदानों में और प्रायद्वीपों में डिवाइड किया गया है। ये भारत के फिजिकल फीचर्स हैं। मतलब ये जो मैंने आपको 6 चीज़ें बताई इसके हिसाब से इंडिया को डिवाइड किया गया है अलग अलग हिस्सों में। ठीक है, आगे आते हैं। बेस्ड अपॉन द फिजिकल फीचर्स इंडिया इज डिवाइडेड इनटू, अपने फिजिकल फीचर्स पे के हिसाब से इंडिया को डिवाइड किया गया 6 हिस्सों में। इन 6 हिस्सों को हम पढ़ेंगे। द नॉर्थन माउंटेन्स मतलब उत्तरी पहाड़। द नॉर्थन प्लेन्स उत्तरी मैदान, सेकेंड पॉइंट था। तीसरा है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट और द थार डेजर्ट, मतलब ग्रेट इंडियन रेगिस्तान या फिर थार रेगिस्तान जिसको हम बोलते हैं, ये तीसरा हो गया डिवीजन। नंबर 4 द सदर्न प्लेट्स, इसका मतलब हो गया साउथ साउथ पठार। द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, उत्तरी और पूर्वी तटवर्दी मैदान, कोस्टल प्लेन्स जो होते हैं उनको तटवर्दी मैदान बोलते हैं। द आइलैंड्स मतलब जो द्वीप्स हैं, इन 6 हिस्सों में डिवाइड किया गया है।
आगे आते हैं. द माउंटेन इन द नॉर्थ एंड द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द एक्सट्रीम कोल्ड विंड्स एंड गार्ड आवर बॉर्डर्स अगेंस्ट एनिमीज. जो उत्तर में या फिर उत्तर पूर्व में पहाड़ हैं वो भारत को, जो हिमालय से बहुत ही ठंडी हवा आती है, उनसे प्रोटेक्ट करते हैं. क्योंकि हिमालय बहुत ही ऊंचा है और वहाँ पे बर्फ़ ही है, तो वहाँ से जो हवा आती है वो बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है. तो ये जो पहाड़ होते हैं उन हवा को हमारे उत्तरी एरिया में आने से रोकते हैं और हमारे बॉर्डर को बहुत सारे दुश्मनों से, जो कि हमारे पड़ोसी देश से आ सकते हैं, कहीं से आ सकते हैं, यहाँ पर आने में रोकते हैं. ओके, द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज़ अ पेनिनसुला एज इट इज़ सराउंडेड बाई वाटर और थ्री साइड. पेनिनसुला का मतलब होता है प्रायद्वीप. तो यहाँ पे कहा गया है जो सदर्न पार्ट है अपने इंडिया का वो एक प्रायद्वीप है, क्योंकि प्रायद्वीप का मतलब होता है ये तीन साइड से पानी से घिरा हुआ है. बस एक साइड से ये ज़मीन पे है, बाकी तीन साइड से पानी पे घिरा हुआ है. ओके, इंडिया हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन अबाउट 7,516 किलोमीटर इंक्लूडिंग लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. इंडिया के पास जो है कोस्ट लाइन बोलते हैं जो अपने पानी से घिरी हुई एरियाज़ हैं उन पे जो लाइन बनी रहती है उनको कोस्ट लाइन बोलते हैं हम. तो इंडिया के पास 7,516 किलोमीटर कोस्ट लाइन है. इसमें हमने अंडमान और निकोबार आइलैंड को भी इंक्लूड किया है. ओके, द केप कोमोरिन नियर कन्याकुमारी इन द इज द साउथ मोस्ट पार्ट टिप ऑफ द इंडियन मेन आइलैंड. ठीक है, तो कन्याकुमारी में एक जगह है केप कोमोरिन, ये अपने भारत का सबसे साउथ पार्ट है, इससे आगे भारत की सीमा नहीं है. ओके, वाइल द इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन. इंदिरा पॉइंट है जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है, वो सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडियन यूनियन का. यूनियन का मतलब यहाँ पे है जहाँ पे राज्य और यूनियन टेरिटरी दोनों को मिला के इंक्लूड किया गया है. और जो अभी हम बात कर रहे थे केप कोमोरिन की, ये जस्ट स्टेट्स की बात हुई थी. तो मतलब अगर हम इक्वल इंडिया की बात कर रहे हैं तो उसका सदर्न पॉइंट केप कोमोरिन है, बट इंडिया और यूनियन टेरिटरीज दोनों को मिला के बात कर रहे हैं तो इंदिरा पॉइंट है. ओके, द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इज राजस्थान एंड द स्मॉलेस्ट इज गोवा. भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है और जो सबसे छोटा राज्य है वो गोवा है. ओके, यूज द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया ऑन पेज 0.5 टू आंसर द क्वेश्चन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज मोस्टली कवर्ड विद माउंटेन्स. तो आप यहाँ मैप पे जाएंगे, नीचे आप मैप पे जाएंगे तो आप देखेंगे जो अभी यहाँ पे हमने पढ़ा था कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट एरिया में सबसे ज्यादा माउंटेन्स हैं, तो आप यहाँ पे नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट एरिया लिखेंगे. अभी यहाँ पे पूछा है नेम द सी दैट लाइज इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया दैट इज इंडियन सी. ओके, तो आप यहाँ पे इंडियन सी लिखेंगे. यहाँ पे की टर्म्स में आएंगे तो डेजर्ट अ लार्ज एरिया ऑफ डर्टी ड्राई लैंड विद वेरी लिटिल वेजिटेशन. तो डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान, जहाँ पे बहुत सारी सूखा एरिया है, जहाँ पे पानी नहीं होता है, जिसकी वजह से जहाँ पे वेजिटेशन मतलब खेती नहीं हो सकती है. ओके, प्लेट्यू एन एरिया ऑफ रिलेटिवली फ्लैट लैंड दैट इज हायर देन द लैंड अराउंड इट. ओके, इसका मतलब होता है पठार, मतलब हमारे आसपास जो फ्लैट एरिया है उस पे एक कर्व बना रहता है जिसको हम पठार बोलते हैं. ओके, कोस्टल प्लेन अ प्लेन विच लाइज नेक्स्ट टू द कोस्ट, मतलब जो समुद्र के पास का एरिया है वो जो रहता है उसको अपन हम लोग कोस्टल प्लेन बोलते हैं. आइलैंड एन एरिया ऑफ लैंड स्मॉलर देन अ कंटिनेंट कम्प्लीटली सराउंडेड बाई वाटर. एक छोटा लैंड का एरिया जो जिसको हम कॉन्टिनेंट नहीं बोल सकते हैं और चारों तरफ पानी से घिरा रहता है उसे हम आइलैंड बोलते हैं. ओके, आते हैं रिकैप पे. इंडिया इज द सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. हमें जैसा कि पता है भारत विश्व में सबसे सातवां सबसे बड़ा देश है. ओके, इंडिया शेयर्स इज बाउंड्री विद अफगानिस्तान पाकिस्तान चाइना भूटान म्यांमार बांग्लादेश श्रीलंका नेपाल एंड मालदीव्स. जैसा कि अभी हमने भारत के पड़ोसियों के बारे में पढ़ा था, तो अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि भारत अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है अफगानिस्तान पाकिस्तान चाइना भूटान म्यांमार बांग्लादेश श्रीलंका नेपाल एंड मालदीव्स के साथ.
As per the Jammu and Kashmir Recognition Act 2019, India is divided into 28 states and 9 union territories. ओके, तो मतलब अगर अब हम बात करेंगे तो हमें ये पता रहेगा कि हमारे पास 28 states हैं और 9 union territories हैं. ओके, मतलब 28 राज्य हैं और 9 union territories हैं. India is divided into 6 major physical divisions. भारत 6 तरह से विभाजित है, इनको major physical divisions बोला जाता है. ओके, अब आप यहाँ पे आएंगे तो अभी हम जो आपको अपने बात कर रहे थे अपने पड़ोसी देशों की, ये अफ़गानिस्तान है जहाँ पे मेरा पॉइंटर चल रहा है अभी, ये पाकिस्तान है जहाँ पे अभी मेरा पॉइंटर चल रहा है, दोनों ही नॉर्थ वेस्ट साइड में हैं. यहाँ पे देखेंगे अगर नॉर्थ साइड में तो आप चाइना, नेपाल एंड भूटान तीनों को देख सकते हैं आप, इंटरनेशनल बाउंड्रीज अपनी इनसे लगी हुई हैं. उसके बाद अगर आप आएंगे ईस्ट में तो ईस्ट में आपको दिखेगा बांग्लादेश, म्यांमार, दोनों की बाउंड्रीज भारत से लगी हुई हैं. और यहाँ पे आपको श्रीलंका दिख रहा होगा साउथ में. ओके, और हमारे सारे स्टेट्स के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे. यहाँ पे राजस्थान जो कि अपना सबसे बड़ा स्टेट है इंडिया का, और यहाँ पे आप देखेंगे गोवा नीचे साउथ साइड में, ये जो कि अपना सबसे छोटा स्टेट है. आप नीचे आएंगे तो अब हम जिन फिजिकल डिवीजन्स की बात कर रहे थे, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 6 फिजिकल डिवीजन 6 अलग अलग कलर्स के दिखाए गए हैं. जो ब्राउन कलर का है वो नॉर्थन माउंटेंस दिखाया गया है, या फिर ईस्ट साइड के माउंटेंस जो हैं उनको दिखाया गया है. ये कलर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर ज़्यादातर आपको पहाड़ मिलेंगे, यहाँ पर भी ज़्यादातर आपको पहाड़ मिलेंगे. जो ये लाइट ग्रीन चलाया गया है, ये लाइट ग्रीन जो है वो नॉर्थन प्लेन्स का है, तो आप यहाँ पे ज़्यादातर एरिया देखेंगे वहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन्स रहेगा. ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स, थार डेजर्ट, ये एरिया आप जो देख रहे होंगे ये थार डेजर्ट्स में आता है. उसके बाद अगर आप नीचे आएंगे यहाँ पे साउथ प्लेटियर्स जो लिखा हुआ है वो आप इस ये एरिया जो देख रहे हैं ये पठारों का एरिया है यहाँ पे, जहाँ पे मेरा पॉइंटर अभी चल रहा है. ओके, कोस्टल प्लेन्स लाइट ग्रीन थोड़ा डिफरेंट कलर का है, ये जो एरिया है ये कोस्टल प्लेन्स हैं जहाँ पे मेरा पॉइंटर अभी चल रहा है. आप देख रहे हैं ये एरिया पूरा कोस्टल प्लेन्स है. ओके, आइलैंड्स, आइलैंड्स के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा, ये लक्षद्वीप एंड आइलैंड, ये सब आइलैंड इंडिया के हैं. ओके, कमिंग टू एक्सरसाइज, चूज द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स. मैंने आपके लिए ऑलरेडी चूज कर रखा है. लैंड सराउंडेड बाई वाटर ऑन 3 साइड्स इज कॉल्ड अ पेनिसुला. आप यहाँ पे इसको लिखेंगे अपनी बुक में और इसको आप अपनी कॉपी में भी नोट डाउन करेंगे एज अ होमवर्क. ओके, और याद करेंगे. उसके बाद डैश लाइज टू द साउथ ऑफ इंडिया, श्रीलंका लाइज टू द साउथ ऑफ इंडिया. नंबर 3, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन द टर्म्स ऑफ एरिया. तो आप यहाँ पे डैश में 7th भरेंगे, मतलब भारत 7वें नंबर पर सबसे बड़ा देश है. ओके, इंडिया इज डिवाइडेड इंटू डैश स्टेट्स एंड डैश यूनियन टेरिटरीज. तो इंडिया इज़ डिवाइडेड इंटू 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज, मतलब भारत 28 राज्यों में और 9 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइडेड है. 5वें नंबर पे आएंगे, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज ऑल्सो कॉल्ड थार डेजर्ट, मतलब जो भारत का ग्रेट रेगिस्तान है उसको हम थार रेगिस्तान भी बोलते हैं. आप इसको सबको अपनी कॉपी में नोट करेंगे एज होमवर्क और लिखेंगे. बी के आंसर्स अभी आपको नीचे बताए जाएंगे तो अभी इसको छोड़िए, सी पे आइए आप. स्टेट वेदर दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, जो लाइनें लिखी हुई हैं, ये सही हैं या गलत हैं. नंबर 1, अफगानिस्तान इज़ अ स्टेट ऑफ इंडिया, अफगानिस्तान इंडिया का स्टेट है, गलत, अफगानिस्तान अपना पड़ोसी देश है, स्टेट नहीं है. श्रीलंका एंड मालदीव्स आर द नॉर्दर्न नेबर ऑफ आवर कंट्री, श्रीलंका और मालदीव्स जो हैं वो अपने उत्तरी पड़ोसी हैं, गलत, क्योंकि श्रीलंका और मालदीव्स साउथ में आते हैं. ओके, द सदर्न कोस्टल प्लेन इज एन इम्पॉर्टेंट फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, राइट, मतलब सदर्न कोस्टल प्लेन जो है वो इंडिया का इम्पॉर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण फिजिकल डिवीजन है, तो ये सच बात है, तो ट्रू. अगरतला इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, गलत, राजस्थान अगरतला की कैपिटल नहीं है इसलिए फॉल्स है, सॉरी, अगरतला राजस्थान की कैपिटल नहीं इसलिए फॉल्स है. दिसपुर इज द कैपिटल ऑफ असम, ट्रू, सही बात है ये, तो आप इस पर ट्रू लिखेंगे और आप इन सबको अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे. मैच द कॉलम, आपको यहाँ पे कॉलम ए में स्टेट्स लिखे हुए हैं, कॉलम बी में आपको जो लिखे हैं वो उनके
राजधानियाँ लिखी हुई, आपको इनको मैच करना है। तो मैंने आपके लिए ऑलरेडी यहाँ पर लिख रखा है, तो आप इनको मैच करेंगे जैसा जैसा कॉपी में नोट डाउन करेंगे, उसके बाद एज अ होमवर्क इसको नोट करेंगे, ठीक है। केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम, जो कि वन पे एफ है, ठीक है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, ठीक है, टू का ई। सिक्किम की राजधानी गैंगटोक, थ्री का ए। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, फोर का डी। झारखंड की राजधानी रांची, फाइव का डी। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, सिक्स का सी। ओके, नोट दिस डाउन, अपनी कॉपी में नोट करें और याद करें। थिंक व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स अकॉर्डिंग टू विच इंडिया इज डिवाइडेड इनटू सिक्स फिजिकल डिवीजन। इसमें बोला गया है कि इंडिया के कौन से फिजिकल फीचर्स हैं जिनकी वजह से इंडिया छः हिस्सों में, छः फिजिकल डिवीजन में रखा गया है। इसका आंसर भी आपको अभी नीचे बताया जाएगा। सॉल्व द क्रॉसवर्ड विद द हेल्प ऑफ क्लूज गिवन बिलो, ठीक है। आपको ये क्रॉसवर्ड सॉल्व करने हैं, ये जो क्लू बगल में दे रखे हैं उनके हिसाब से, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं। नंबर टू इज कैपिटल ऑफ गोवा, यहाँ पे आपको भरना है। तो कैपिटल ऑफ गोवा इज पणजी, आप यहाँ पे पणजी पूरा भरेंगे, ओके। नंबर वन इज इंडिया लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, भारत का सबसे बड़ा देश, जो कि नीचे आते हुए आपको भरना है। तो ये राजस्थान, आप ऐसे इसको भरेंगे, ठीक है, कॉपी में ड्रॉ करेंगे और ऐसे भरेंगे। नंबर थ्री कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल, कोलकाता, तो आप यहाँ पे कोलकाता भरेंगे नंबर थ्री में, ठीक है। नंबर फोर नेबर ऑफ इंडिया इन द नॉर्थ, भारत का उत्तर में कौन पड़ोसी देश है, तो ये चाइना हो जाएगा। नंबर फोर में आप चाइना भरेंगे, ओके। स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप अपने टेक्स्ट बुक्स में देख सकते हैं, स्पेलिंग अगर आपको नहीं आ रही, या फिर अपने मम्मी पापा से पूछ सकते हैं, ओके। कमिंग मोर इंडिया आवर कंट्री चैप्टर वर्ड हार्ड वर्ड्स, हार्ड वर्ड्स में आपको कंटिनेंट, नेबर्स, टेरिटरीज, प्रेसिडेंट, रिकॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट्स, कैपिटल्स, लेटर्स, कोस्ट लाइन, मेन लैंड, ये सभी वर्ड्स आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और इनकी स्पेलिंग से याद करेंगे, ओके। अब और नीचे आएंगे, दिस इज एज ऑल दिस, ये भी एक होमवर्क की तरह से है, ठीक है। तो आप अपनी कॉपी में लिख करके याद करेंगे। डिफाइन द टर्म्स, मतलब आपको इन टर्म्स को परिभाषा बतानी है इनकी। डेजर्ट, डेजर्ट इज़ अ लार्ज एरिया ऑफ ड्राई लैंड विद वेरी लिटिल वेजिटेशन, ठीक है। मतलब भारत कोई जमीन है जो बहुत बड़ी है, बट वहाँ पे पानी नहीं है, बहुत कम है, इसकी वजह से वो ड्राई है और वहाँ पे खेती बहुत कम होती है। कोस्टल प्लेन, अ प्लेन विच लाइज नेक्स्ट टू द कोस्ट इज कॉल्ड कोस्टल प्लेन। कोस्ट मतलब जो समुद्र के पास का एरिया है और उसके पास में जो मैदान होते हैं उनको हम कोस्टल प्लेन बोलते हैं। आइलैंड, आइलैंड इज एन एरिया ऑफ लैंड स्मॉलर देन अ कॉन्टिनेंट कम्प्लीटली सराउंडेड बाई वाटर। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, आइलैंड का मतलब होता है कॉन्टिनेंट से छोटा और पानी से चारों तरफ घिरा हुआ जमीन का टुकड़ा। कमिंग मोर डाउन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यहाँ पे जो आपके क्वेश्चंस थे ये उनके आंसर्स रहेंगे नीचे, ठीक है। आप इसको भी अपनी कॉपी में एज अ होमवर्क लिखेंगे और याद करेंगे। नेम द टू नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया इन द नॉर्थ, टू नेबरिंग कंट्रीज, जो भारत की कौन सी दो पड़ोसी देश हैं नॉर्थ में, उनके नाम आपको देने हैं। टू नेबरिंग कंट्रीज ऑफ द इंडिया इन नॉर्थ आर चाइना एंड नेपाल, तो मतलब भारत के दो पड़ोसी देश जो उत्तर में है वो, उनका नाम है चाइना एंड नेपाल, ओके। फिर नेम द सिक्स फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, आपको भारत के छः फिजिकल डिवीजन्स बताने हैं, ठीक है। शारीरिक विभाजन जो है वो किस हिसाब नाम से तरह से हैं उनको आपको बताने हैं, ओके। नीचे आएंगे, द सिक्स फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया आर, मतलब भारत के छः शारीरिक विभाजन इस तरह से हैं। उसके बाद नंबर वन द नॉर्थन माउंटेन्स, मतलब उत्तरी पहाड़, टू नॉर्थन प्लेन्स, उत्तरी मैदान, थ्री द ग्रेट इंडियन डेजर्ट और द थार डेजर्ट, मतलब ग्रेट इंडियन रेगिस्तान या फिर थार रेगिस्तान, ओके। नंबर फोर द सदर्न प्लेटोस, मतलब सदर्न पठार जो रहेंगे वो नंबर चार पे हैं। नंबर पाँच पे आएगा द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, मतलब पूर्वी और पश्चिमी जो कोस्टल प्लेन्स हैं वो। नंबर सिक्स द आइलैंड्स, मतलब डी, ये सारे आप लिखेंगे अपनी कॉपी में एज अ होमवर्क और याद करेंगे, ओके। आई थिंक आप सबको सब समझ आया, बाकी कुछ नहीं समझ में आया तो स्कूल ओपन होने पर आपको समझा दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच गाइस।